दादर साहब बहुत अच्छा जी, हम बात तुम्हारा नेट इस्तेमाल अल्लाह तो नेट इस्तेमाल बाबू ने ट्रैफिक जाम कर दिया सारे ट्रैफिक प्लीज एहलकार बेबस है बाबे क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं लाहौर में इमरान खान की रिहायशगाह जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर तो जंगल में मंगल हुआ पड़ा है और क्या क्या कुछ हो रहा है। आज इस स्पेशल व्लॉग में मैंने सारा कुछ आपको बताना है, मेरे व्लॉग में साथ रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और वो सारा कुछ आपको दिखाना है। नाइट का व्लॉग अलग से रिकॉर्ड करूंगा बिकॉज नाइट के टाइम यहाँ पर बिल्कुल माहौल बदल जाता है। जैसे धरने के वक्त 2014 का जो धरना था उस वक्त मैंने देखा तंदूर लग रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, चाय कहवा, ये सारी एक्टिविटीज, एक फेस्टिवल जैसा माहौल है। तो ये सारा कुछ ऑब्जर्व करने के लिए मैं खुद यहाँ पर पहुंचा हूँ। आप मर्दों के कैंप्स को भी विजिट करेंगे, खवातीन के कैंप्स में जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, बाहर क्या क्या कुछ हो रहा है ये सब आपको दिखाना बताना है। तो इस व्लॉग में साथ रहिएगा। ट्रैफिक का माहौल है वो आप देख ही सकते हैं, ट्रैफिक थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। हर तरफ इस तरह के बैनर्स लगे हुए हैं और बाहर हर तरफ कैंप्स लगे हुए हैं। सॉरी भाई जान, तो सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें, थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NA 120 का कैंप लगा हुआ है। इस तरह पूरी लाइन के ऊपर जो कैनाल रोड है वहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं, लोग आए हुए हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं। तो एक फेस्टिवल जैसा माहौल है। क्या क्या कुछ हो रहा है ये जानने के लिए इस व्लॉग में साथ रहिए। नाइट का व्लॉग अलग से करूंगा लेकिन ये इवनिंग का व्लॉग है, तो देखिए क्या क्या कुछ हो रहा है। असी चुक देंगे फटे सारे, केनू चुक देना, असी चुक देंगे फटे सारे ते शेर नु लम्मिया पावांगे, असी चुक देंगे फटे सारे ते शेर नु लम्मिया पावांगे। नहीं छड़ना कोई चोर लटेरा, सही छड़ना कोई चोर लटेरा, असी सब नु जेल पचावांगे। रही जिंदगी जे साडी यारो, रही जिंदगी जे साडी यारो, ते तख्त ते खान नु पावांगे इंशाल्लाह। इको लीडर सच्चा साडा, जिन्हें चोर भी सच्चाई कहते ने, नहीं हारिया किसे मैदान च, नहीं चुकिया किसे मैदान च, जिन्हें लोग न्यासी कहते ने, पहले असी खान जताया तो हुण भी खान जतावांगे। रही जिंदगी जे साडी यारो, रही जिंदगी जे साडी यारो, तो तख्त ते खान नूं पावांगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई जान, अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी और तर्जुमानी कर रहे थे। तो सारे लोग यहाँ पर हैं तो आपकी बातचीत भी कराएंगे इन लोगों से। माशाल्लाह, खैरियत से आप ठीक है? आ गया, हम तो 5 दिनों के पहुंचे हुए हैं, ये दिनों से इधर हैं। अच्छा, खड़े हैं। कैसा माहौल देख रहे हो यहाँ पे? मैं तो ऐसा माहौल यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आवाम कैसे मेरे महबूब के लिए ढाल बन चुकी है। आस पास नौजवानों का जुनून है और ये पहरा दे रही है कि हम ही इमरान खान के वो सिपाही हैं, आप आए हाथ तो लगा कर देखें। तो खैर, ये कारकुनान है यहाँ पर, थोड़े से मैंने आपको मनाजर आगे के भी दिखाने के, वहाँ पर मीडिया की गाड़ियाँ अलाइन है और बहुत कुछ हो रहा है। कोशिश करूँगा कि अनकट अनएडिटेड जाए ताकि आपको एग्जैक्ट ग्राउंड जीरो से सिचुएशन देखने को मिले। जी जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट जगहों से कैंप्स जो है ना वो, अरे क्या हाल चाल है, ठीक हो, खैरियत से हो? तो यार तू तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो यार मैंने तुम्हारे व्लॉग्स देखे, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम करते हो। ये बंदा भगा देता है लोगों को, क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपकी रिसेंट वीडियो देखी थी जो कह रहा था मरियम नवाज जैसा लीडर होना चाहिए, फिर आपने पूछा कि आपकी, आप दुआ करें कि आपकी बेटी मरियम नवाज जैसी, वो भागा कैसा फिर? वैसे जो आइडिया था उसमें जो साबित करने की कोशिश की है वो हुआ साबित। अच्छा, अब हम आ गए हैं बिल्कुल करीब जो मरकजी एंट्रेंस है, यहाँ पर रहता है ज्यादा रश, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इमरान खान साहब की रिहायशगाह की तरफ जाने वाला रास्ता है। कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पर आया था तो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त नहीं थी, ये खारदार तारें नहीं लगी हुई थी यहाँ पर, ये लोग नहीं बैठे हुए थे, इस तरह कैंप्स नहीं लगे हुए थे बिल्कुल, यहाँ पर आने जाने के लिए भी ये सब कुछ ओपन था। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाजुर में यहाँ पर ये सिक्योरिटी आपको देख रही है, दिख रही होगी। इससे आगे अगर जाएँ उनके घर की तरफ तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी के अच्छे खासे अरेंजमेंट सब कर दिए गए हैं और मुझे लगता है कि किसी दिन इमरान खान आएंगे वहाँ से, अपनी रिहायशगाह से निकल के इनको मिलने के लिए। इमरान खान ऐसे वक्त में अपने कारकुनान का हौसला ज़रूर बढ़ाते हैं, तो लेट्स सी कब वो आते हैं, कब मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर मीडिया की सारी गाड़ियाँ उनके घर के बाहर अलाइन हैं, यह आप देख सकते हैं। तो बाबा जी, बाबा जी बड़े खुश लग रहे हो,
बाबा कुछ करने लगा है। बाबा जी इधर आ जाए, ट्रैफिक नहीं जाम करे। बाबा ने ट्रैफिक जाम कर दिया सारे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेबस है बाबे के आगे। बाबा जी छा गए, जो काम हमसे नहीं होता वो भाई बाबा जी ने कर दिया है। एनीवेज खादर साहब बहुत अच्छा है जी, हम बात तुम्हारा नेट इस्तेमाल अल्लाह तो नेट इस्तेमाल कहाँ पे देखा? मैंने आपको देखा है, व्लॉग्स आपके देखे हैं। अच्छा, थैंक यू। और दैट्स व्हाई मुझे हो रहा था, मैंने कहा ये सदीक जान है, कौन है, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो। थैंक यू, शुक्रिया। आज भी देखिएगा। अच्छा, हाँ, आई एम क्लियर। आप मियां वाली से है? अच्छा, तो थोड़ा कुछ सराइकी में कुछ बताओ। ये बात करें असा राणा सनाले को पैगाम देवणा है। ओ घर राणा सनाले को पैगाम देवणा है कि राणा सनाला तू इमरान खान को गिरफ्तार करे तो तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ और गिरफ्तार करो ना, करो तेरी मूंछ को हम झरीड के ना हम मियां वाली ना आके, हम सब मियां वाली आके, हम सब मियां वाली आ गए, हूं आ जाओ ना, किधर हम तू इमरान खान को गिरफ्तार करो, आओ ना, आओ तू गिरफ्तार करो। ओ आ ही ना जाए कहीं। थैंक यू भाईजान। ओ मेरा हाथ थक गया, दूसरी हाथ में। ओके जी, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स मैंने देखे हैं, बहुत अलग। ये मेरे साथ भी एक भाई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप क्या फैन भी हैं भाई? मोहब्बत है भाईजान आपकी। जी हाँ, थैंक यू। इधर खाने भी चल रहे हैं, इधर चाय भी चल रही है, इधर सारे वो इंतजाम हैं। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, खाने का दिल है, लेकिन भाई साहब ने कपड़ा नहीं दिया वो ऊपर। इसको थोड़ा डाम के रखो तो थोड़े और कुछ खाने पीने के लिए अच्छा लगेगा ना। ये सब ठीक है। नहीं नहीं, कपड़ा डाल के रखो यार इस पे को थोड़ा बहुत। ओके जी, तो कारकुनान ने अब यहाँ पर रात गुजारने के इंतजाम अब शुरू कर दिए हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर, इस तरह कोयले जलाकर ज़रा सर्दी की शिद्दत को कम किया जा रहा है। तो ये लोग यहाँ पर बैठे तो धुएं से बचते, थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो आगे के मनाजर आपको दिखाता हूँ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरा इशारा। हाजिर हाजिर लहू हमारा। अच्छा, कोई वहाँ से आया? बनीगाला से? बनीगाला से हम आए। अच्छा, बनीगाला से आए हो? वहाँ पे जो कैंप लगा हुआ था वहाँ पे भी थे? वहाँ पे थे हम, 8 महीने से वहाँ मौजूद है। जो बनीगाला का कैंप? बिल्कुल, हम 8 महीने से वहाँ से मौजूद है। अभी हमें हुक्म मिला है इधर आने का, इधर सारी टीम हमारी। खान साहब की रिहायशगाह बनीगाला के बैक साइड पे भी एक कैंप लगा हुआ था, जब बनीगाला में पुलिस पहुँचती थी तब भी ये लोग वहाँ पे पहुँचे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अब वहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए। कादर भाई कैसा? मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है। कादर भाई तुम यकीन करो और रोशन ताजा हो गया। क्या हो गया? मेरा दिल खुश हो गया बहुत ज्यादा। और एक ठंडे मौसम में अभी मैंने कावा भी स्टार्ट कर दिया पूरा हवाम को, मेरी तरफ से आज फिर नया कावा स्टार्ट होगा और सब कुपरी का होगा। और कादर भाई की जितना सहाबी भाई है स्पेशल, और मैं कादर का इतना प्यार करता हूँ इससे आपको पता भी नहीं है। मुझे तो पता है, मुझे पता है। कादर भाई अल्लाह आपको हमेशा के लिए कामयाब रखो, और यकीन करो जैसे मैंने अभी देखे गया मैं अभी इतना खुश हो गया जैसे बत्ती नहीं था बत्ती आ गया। थैंक यू, लव यू। कादर भाई मैं स्पेशल कावा बना के जाता हूँ और अभी कावे तैयार कर दिया हमें। ठीक, समझ फिर लाजिमी है कि किधर आप जाओ कावा पिलाऊंगा? मैं आऊँगा, रात में आऊँगा, लाजिमी आऊँगा। मैं अगर जुर्माना इसको भाई पड़ेगा, वीडियो वालों सब देख लो, वरना आप लोग जुर्माना देगा इंशाल्लाह। कैसा माहौल है भाईजान यहाँ पे, थोड़ा सा बताएं। खान साहब की हिफाजत कर रहे हैं, आप बैठे हैं, ड्यूटी ड्यूटी दे रहे हैं हम अपनी, और इंशाल्लाह मरते दम तक ड्यूटी देंगे। खान को हाथ लगा के तो दिखाएंगे, तो अब हम देख लें आप अभी और
कोई काफले जो लोग आते हैं मुख्तलिफ टाइमिंग लगी हुई है, ड्यूटी चेंज हो जाती है। मरियम नानी को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो आपने सर्जरी करवाई है, आपने बताया जी 3 घंटे की मेरी सर्जरी हुई, अभी आपकी सर्जरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो आप लोगों की सर्जरी जो है वो इमरान खान ने कर दी है। हम लोग बैठे हुए हैं, हम बाहर बैठ के वो जो चाकू छुरियां पकड़नी है वो हमने पकड़नी है आपके लिए, आपकी सर्जरी अभी हमने कंप्लीट करनी है। चलें थोड़ा सा कम एग्रेसिव रहें। ओके जी, तो हाँ कैसे हो, ठीक हो? नेवा शेवा बिक रहा है तुम्हारा? चलो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कैसा गुजर रहा है टाइम? चित्राल से। आपकी ये कैब बहुत अच्छी है, ये ऊपर जो ये मारखोर बना हुआ है ना, ये हमारे चित्राल का वो है, शान है, उसको चित्राल स्काउट यूज करता है इसको, जो आपने वो है चित्राल लेविस को। अच्छा लग रहा है। और अंकल आप खैरियत से? चले तो ये यहाँ पे सिचुएशन है, सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, ये कैंप्स बनाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए और पुलिस एहलकार यहाँ पर हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे भी लोग हैं। तो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर ये सारा मीडिया जो है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगी हुई है, सारी गाड़ियाँ अलाइंड और पीछे ट्रैफिक की बुरी हालत। अब मैं भी यहाँ से निकल के जाना है तो सोच रहा हूँ कि जल्दी निकल जाऊँ वरना और ज़्यादा रश में फंसा जाऊँगा। लाहौर का मौसम भी ज़बरदस्त है। बन गई ना तेरी पिक्चर? मैं आपके व्लॉग बड़े शौक से देखता हूँ और उसमें वाकई हकीकत भी होती है, एक आपके और एक इमरान रियाज खान, और पता चलता वाकई कोई बात कर रहे हैं। थैंक यू भाई, शुक्रिया। आप भी देखा करें। तो माहौल कुछ ऐसा है यहाँ पे, मैं तो सारा तो भाई साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गुनगुना के दिखाना है और बताना है, तो टैलेंट है कुछ भाई में, तो चले पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या गुनगुना? अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश हमारा, यलगारों की खैर नहीं, है हक हमारा, है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे आजादी। वेल डन जनाब। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पहली बार आपको अपने सामने देख के मुझे बहुत खुशी है, मेरे लिए एक सरप्राइज़ से कम नहीं है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज़ियाउद्दीन और मैं कबायली ज़िला बाजौर से आया हूँ और अभी कुछ देर पहले पहुँचा। अच्छा, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आए हो? हाँ, तो उसी के लिए आए हैं, इंशाल्लाह खान खान साहब की हिफाजत करेंगे और उसके लिए हम आए हैं, और बहुत दूर से आए हैं, बॉर्डर एरिया से आए हैं, हमारा बहुत बड़ा ख्वाहिश है कि हम खान साहब की जान सरान में शामिल हो जाएं। ओके, थैंक यू। तो एज यू सी के कारकुनान जो हैं वो यहाँ से रावलपिंडी से भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, तो इंजीनियर इफ्तिखार जो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी सेहत भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, अभी इनका हार्ट का एक सर्जरी भी हुआ रिसेंटली, और इसके बावजूद यहाँ पर आए, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एयरवे शुक्रिया। देखें हमारे कायद हैं और उनको गोली भी लगी है और मैं अपनी बीमारी की वजह से नहीं आ सका, उन्होंने मुझे मेरा हाल पूछा और आज मैं उनका हाल पूछने आया हूं, और यहां पे जो मैं जज्बा देख रहा हूं, अल्लाह की कसम मुझे वो क्या कहते हैं कि वो धरने वाले दिन याद आ गए हैं कि हम अपने कायद की हफाजत के लिए यहाँ आए हैं, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान मैं इमरान खान की हुकूमत एक बार फिर दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।